और उसमें कैसे इशू वहां से शुरुआत करे और कहां खत्म करे, क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ अपने हाथ से लटकाने लगी है। इसका मतलब ही है कि एकदम क्लियर परिस्थितियां है कि महाराज जैसे एक राज्य को तबाह करने में बीजेपी ने जो प्लान बनाया था बीजेपी उसमें सक्सेस हुई है। कई विषय हम लोग असेंबली में उठाएंगे। मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की क्या? देखो, हमने शुरुआत से कहा कि ये संवैधानिक तरीके से हो और जाति निहाय जनगणना के आधार पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो संवैधानिक 1931 के बाद देश में जाति निहाय जनगणना नहीं और वही से ये सब प्रॉब्लम खड़े हुए और उसने ऑलरेडी कांग्रेस की भूमिका स्वागत है। आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक ये सर्वे होकर सभी जातियों को जो आरक्षण की दिशा में उसको संवैधानिक आधार पर उसको न्याय दिया गया, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। तो एकदम क्लियर पोजीशन है कि फिर उसमें शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण बढ़ेगा, उसमें शेड्यूल ट्राइब का बढ़ेगा, ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ेगा, मराठा का भी आरक्षण मिलेगा, जो जातियां उसमें आरक्षण की प्रतीक्षा में है और जो पिछड़ी है, सामाजिक पिछड़ी है, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ी है, वो सभी जातियों को उसमें आरक्षण मौका मिलेगा।